भारत। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता मिथिलेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर सियासी हमला किया। मंत्री के आरोपों पर बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने पलटवार किया। चिल्ला रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब रही मोदी सरकार, तो उस सरकार से पूछिए, ये लोग बताएंगे। तो राज्य सरकार को जब सलाह दे रहे हैं तो वो जो हमारा 1,25,00,00,000 रुपया जो सेंट्रल में है कुल का, वो हमको दे दें। नियोजन नीति आएगी राजहित में और कैबिनेट की बैठक है, उसमें बहुत चीजें आ जाएंगी। इस देश की जनता से केंद्र की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अडानी अंबानी के पोषक हैं। अडानी अंबानी जितना आगे बढ़ेंगे इनकी सत्ता उतनी मजबूत होगी, ये इनकी सोच है कि इनकी कुर्सी उतनी मजबूत होगी। देश बिक जाए इससे कोई लेना देना नहीं है, मर जाए इससे कोई लेना देना नहीं है। किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार, नौजवान, सारे लोग, मतलब इनका दो ही मकसद है, एक तो बांटो और फूट डालो और राज करो, और दूसरा अपने जो इनके आका हैं उनको उनकी तिजोरी भरती जाए, उनकी तिजोरी भरती जाए। अब मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जनता इस बात को समझिए कि देश कितने संकट काल से गुजर रहा है। कोरोना के संकट काल के बाद देश खड़ा हो रहा है, इतने संकट काल के बाद भी देश 5वां अर्थव्यवस्था बनकर के आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या है, पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है, लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ रही है। क्रय शक्ति अगर यदि लोगों में नहीं करना हो सकेगा तो मोदी जी की ऐसी सरकार है कि जनता को कभी भार नहीं देने सकती। नहीं, जनता निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि जनता इस सर के साथ इस बात को लेकर के संतुष्ट रहेगी कि मोदी जी ने अगर बढ़ाया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा, और मोदी जी अन्यथा नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।